भारत में पूरे साल में जितना कूड़ा फेंका जाता है उसमें से 80% कूड़ा रिसाइकल हो सकता है, लेकिन हमारे देश में नहीं होता। में 280 माइक्रोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो कि मनुष्य के लिए 3 गुना ज़्यादा हानिकारक है। भारत में जल प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देश में हर रोज़ 6 अरब ग्राम कूड़ा दरिए में फेंका जाता है। इसके अलावा हम नदी में साबुन के साथ नहाकर उसे प्रदूषित करते हैं। भारत में ध्वनि प्रदूषण काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है, लेकिन अब तक भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं जो कि ध्वनि प्रदूषण का जांच करे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। पाठशाला खत्म हो गई तो मैं घर जा रहा हूँ। अरे प्रेमिका सुनो, तुम भी तो प्रभारी भी जा रहे हो, हम एक साथ जाते हैं, इससे वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है। अरे बहन जी, इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? आपकी गाड़ी थोड़ी ना आगे जाने वाली है। मैं दोबारा नहीं करूँ। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? कूड़े का डब्बा पड़ा है उसमें डालिए ना, पीछे क्यों फेंक दिया? मुझे माफ कर दिया। कोई बात नहीं। इतना क्यों लगा रहे हो भैया? इन चीजों से वायु प्रदूषित होता है, क्या कुछ का अंदाजा भी है?